नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान। स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन के चैनल पर। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही देश और विदेश जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया है। यह वाउचर बेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन है। ई रूपी के जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। मुंबई में एक महिला ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ई रूपी के जरिए वैक्सीनेशन के लिए भुगतान किया और इस तरह इस सॉल्यूशन की पहली यूजर बन गई। इस महत्वपूर्ण डिजिटल कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, केंद्र मंत्रियों, RBI के गवर्नर और अन्य गणमान्य व्यक्ति ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर पीएम ने ये खास बात कही। पीएम मोदी ने कहा है कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को DBT और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड ट्रांसपोर्ट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले हमारे देश में कुछ लोग कहते थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज़ है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उन पर सवाल खड़े करते थे। ई रूपी के लॉन्चिंग के मौके पर मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को अपनाने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। नवाचार की बात हो, सर्विस की डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है। पीएम ने कहा है कि हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है। इसी कोरोना काल में करीब करीब 2300 करोड़ रुपये उन्हें दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। डिजिटल पेमेंट के लिए यह एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। यह कटोर कोड और MMS स्ट्रिंग पर आधार ई वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर डिलीवर किया जा सकता है। इस वन टाइम पेमेंट सिस्टम के यूजर बिना किसी कार्ड डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के इस वाउचर को सर्विस प्रोवाइडर के पास रिडीम कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी UPI प्लेटफॉर्म पर इसे डेवलप किया है। इसे वित्त सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। ई रूपी सर्विस के स्पॉन्सर और बेनिफिशियरी को बिना किसी फिजिकल इंटरफेंस के डिजिटल तरीके से कनेक्ट करता है। यह साथ ही साथ इस चीज को भी सुनिश्चित करता है कि ट्रांजैक्शन पूर्ण होने के बाद सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट हो। यह प्रीपेड पेमेंट सॉल्यूशन है। एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया है कि यह कल्याणकारी योजनाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी की दिशा में उठाया गया क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सेवाओं में डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में भी कर्मचारियों को वेलफेयर प्रोग्राम के साथ डिजिटल वाउचर उपलब्ध करा सकती है। ये थी खबर। धन्यवाद।